अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग जी। आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सुबह के 8 बजे। मैं जाग गई हूँ, नदीम को भी मैंने जगाया है अभी, और अभी मैंने कपड़े निकाले, मैं प्रेस करने लगी हूँ, और अपने भी और नदीम के भी। आज का दिन जी होने वाला है बहुत ही बिज़ी, क्योंकि आज आ रहे हैं मेरे फादर इन लॉ यानी कि नदीम के अब्बू, तो उनकी फ़्लाइट है, वो वापस जा रहे हैं सऊदी अरब। तो आज वो हमारे घर रहेंगे और कल सुबह सुबह उनकी फ़्लाइट है। तो बस आज का दिन जो है इसी तरह गुजरेगा, बिज़ी बिज़ी। शाम को आएंगे, लेकिन अभी सुबह हम लोग इसलिए उठे हैं कि नदीम ने ऑफ़िस जाना है और मुझे भी एक काम है, तो मैं नदीम के साथ ही जाऊँगी। तो इसलिए मैं भी करने लगी हूँ कपड़े प्रेस, मैं भी चेंज करूँगी, नाश्ता करेंगे, और फिर हम लोगों ने बाज़ार से पहले कुछ सौदा लेके आना है जो कि मैं वापस आ कर फिर बनाऊँगी खाने के लिए। मैं 3 वीक्स के लिए गई थी और घर बंद था और इतना गंद था घर में, तो कल रात को हमने कपड़े धोए हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पहले मैं बाहर, तो वो भी अंदर रख के जाने हैं और आके फिर मैं उन्हें समेटूँगी। तो रात को हमने कपड़े धोए हैं, फिर बाकी हम लोग घर साफ़ करते रहे हैं, ग्रॉसरी करते रहे हैं, और बस दो तीन दिन तो इसी चीज़ में निकल गए हैं, घर को समेटने में और सब कुछ करने में। तो फाइनली ये सारा काम कंप्लीट हो गया, लेकिन आज जो है वो खाना वगैरह बनाएंगे, और आज का जो व्लॉग होगा ना वो सारा इसी चीज़ से रिलेटेड होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का दिन। ये जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, ये रोटियां रखी हुई हैं सूखी हुई जो कि मैं नीचे दूंगी, और आज काफ़ी धूप है आज। मैं जा रही हूँ अब वापस घर, नदीम मुझे ऑफ़िस जाते हुए ड्रॉप कर गए थे, जो काम था वो हो गया मेरा। अभी मैं जाऊँगी मेट्रो से वापस घर, और आगे से जो है वो मैं उबर करवा लूँगी। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ आज मेट्रो में, मैं अकेली जो है, मैं पहले भी जो है अकेली 2-3 दफ़ा आई हूँ मेट्रो में, तो इसलिए मैं यूज्ड हो गई हूँ। लेकिन जब पहली दफ़ा बैठी थी तो मैं मुझे नहीं पता था कि कहाँ से टोकन लेना है, कहाँ जाना है, लेकिन नदीम के साथ 2-3 दफ़ा आई हूँ तो अब मुझे पता चल गया। तो अब मैं अकेली भी आ जाती हूँ अगर मुझे ज़रूरत पड़े कहीं आने जाने की। वैसे तो नदीम के साथ ही जाती हूँ मैं, लेकिन इन केस जैसे आज नदीम ऑफिस हैं और मुझे वापस जाना है घर, तो मेट्रो जो है ये बड़ी अच्छी सर्विस है। और सबसे अच्छी बात इस्लामाबाद की ये है कि यहाँ पे आपको कोई बंदा तंग नहीं करता, आप अकेली भी हैं, आप जहाँ मर्ज़ी जाएं, तो सेफ है, बहुत सेफ है। अभी मैं वेट कर रही हूँ कि अंडे और शामी वाला बर्गर है वो रेडी हो जाए, क्योंकि बहुत भूख लगी थी और दिन का टाइम हो गया था ऑलरेडी, 12:01 हो गए थे और सुबह नाश्ता किया था हम लोगों ने। तो अभी रास्ते में मैं ये पिक करूँगी और फिर घर जाएंगे। आ गई हूँ घर और बहुत गर्मी, अभी मुँह धो के आई हूँ, चेंज की है, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, क्योंकि सिर्फ मैं जो है ना वो एक एप्पल खा के गई थी और अभी टाइम जो है वो 12 हो गए हैं घर आते आते। तो रास्ते से जैसे मैंने आपको क्लिप में दिखाया लास्ट में कि मैं बर्गर ले रही थी, क्योंकि अभी यही दिल कर रहा था खाने का और मैं क्या लेती, हालांकि जो है वो सालन भी पड़ा हुआ था घर में, लेकिन मेरा रोटी सालन खाने का दिल नहीं था, तो फिर मैंने बर्गर ले लिया। और जो रास्ते में मुझे एक बाबा जी मिल गए थे जो कि ये राइस केक दे रहे थे, तो मैंने उनसे भी ले लिया। अपना खाना खाती हूँ और फिर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी थी बाहर और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है,
थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, मेरा एक प्रोजेक्ट है वो करूँगी और उसके बाद जो है फिर कुकिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आज सुबह जाते हुए बताया था कि नदीम के अब्बू आ रहे हैं आज तो शाम को, तो इस वजह से खाना वगैरह बनाना है, मीठा बना के पहले रखूँगी और फिर खाने में हम लोग देखते हैं क्या बनाते हैं। तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर जो है, और जब मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि आज क्या बना रही हूँ और रात के खाने में हमारे पास क्या होगा। तो मैं सो गई थी और अभी उठी हूँ, टाइम हुआ है 4 का, तो अभी मैं करने लगी हूँ, दोनों रूम सेट कर दूँगी, एक जहाँ अबू रहेंगे और एक जो हमारा है, क्योंकि मैं उधर लेटी हुई थी तो उसको भी सेट किया है। अभी बस मैं अभी कपड़े तय करती हूँ, इनको अलमारी में सेट करती हूँ और फिर जो है मैं किचन में जाऊँगी, मीठा बनाते हैं, कटलेट्स बनाते हैं। और नदीम की कॉल आई थी कि आप कुछ ना बनाना क्योंकि हम डिनर बाहर ही करेंगे या बाहर से लेके आएंगे, तो जो भी हुआ तो इसलिए फिर मैं सिर्फ एक स्वीट डिश बना, तो कटलेट्स जो हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं, फ्रीज हुए हुए हैं, तो उनके बनाने का कोई इतना इश्यू नहीं है क्योंकि वो कल या परसों हम लोगों ने बनाए थे। वैसे ही हम लोग बना के रख लेते हैं क्योंकि नदीम के फेवरेट हैं, तो फिर मैं अक्सर बना के रख देती हूँ, तो वो पड़े हुए हैं तो फ़ायदा हो गया है। बस स्वीट डिश बनानी है और कपड़े तय करने। बाहर बच्चे आए हुए हैं, मैं भी आप लोगों को मिलाती हूँ। इतने वो एक्साइटेड हुए हुए हैं ना कि यार हमें वीडियो में लेके आए हैं, हमें बनाए, पूरे मोहल्ले के बच्चे जो है ना वो छत पे बैठे हुए हैं। लेकिन इससे पहले जो है कि मैं ऊपर जाऊँ और वीडियो बनाऊँ, तो मैं जो है वो मैंने बताया था ना ट्राइफल बना रही हूँ, उसको असेंबल करके रख लेती हूँ अभी फ्रिज में और फिर मैं जाती हूँ आप लोगों को मिलवाती हूँ बच्चों से। और जो लोग कहते हैं ना आप क्या करती रहती हैं घर अकेली होती हैं, तो बिल्कुल अकेली नहीं होती मैं, पूरे मोहल्ले के बच्चे जो होते हैं ना वो शाम को आ जाते हैं मेरे घर, पता नहीं उन्हें क्या है मेरे साथ, पता नहीं वो इतने अटैच कैसे हो गए मेरे साथ। लेकिन जो ही असर का टाइम होता है, अजान होती है, सब बच्चे जो है ना आ जाते हैं। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ये इसको असेंबल करके फ्रिज में रख दूँ और फिर हम लोग चलते हैं छत पर और मिलवाती हूँ मैं आप लोगों को उनसे। हाँ जी, अभी आ गई अजवा। अजवा जो है ना इसको बहुत शौक था कि ये जो है ना वीडियो में आए, और वीडियो आप कब बनाएंगी कब बनाएंगी, तो अभी मैं असेंबल करती हूँ। अजवा से कहती हूँ कि अजवा इधर आओ ना, पहले तुम्हें शक्ल तो दिखाओ। हाँ, तो ये है अजवा, मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो अभी मैं इसको बोलती हूँ, ये मेरे दिखाती है कि मैं असेंबल करती हूँ और फिर हम लोग छत पर जाएंगे। ठीक है, चलो दिखाओ पहले अपनी शक्ल आएगी। मैंने जल्दी बनाई है और ये मैंने कस्टर्ड बनाया है और ये केक है, हमें यही मिला था अवेलेबल, और अभी इसमें ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर ऐड करूँगी, तो ये सारा कुछ असेंबल करते हैं हम लोग। और अजवा जो है आज मेरी वो क्या क्या कहते हैं उसे, कैमरामैन अजवा अजवा बनी हुई निकाल दी। आप नमाज पढ़ी थी उससे पहले आई थी जी। अब हम छत पे चलते हैं, आज मेरी कैमरामैन मैं तुम्हें रखी ना हूँ कैमरे के लिए, कैमरा ले ली। अभी हम लोग आ गए हैं छत पे और ये रही अजवा जो कि कैमरा मैन थी, वो रहा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला तुम्हारी काइट कौन सी है, किधर है ये ब्लू वाली, आज तो दूर नहीं गई। गई थी ना, इतनी धूप करी थी ना, बता दिए ये कौन सी डोर आ रही है, छत पर डोर ही डोर है, लैंड होगी, लैंड भी होगी, हैप्पी एंडिंग, हैप्पी लैंडिंग नहीं हुई। और बाकी बच्चे भी, काफी सारे बच्चे थे ऊपर, पता नहीं किधर चले गए, किधर चले गए सब, चले गए घर अपने। और वो शापर तुम नहीं लेके गई, ये बच्चे हमेशा ईंटे इधर फैला देते हैं क्या करने के लिए, बना के खाना कब बनाते हैं ना, पिछले बार इनके भी साथ मिले हुए थे इनके। हाँ, और वहाँ पे हैप्पी बर्थडे वाला वो बैलून नहीं लेके आई आप, उसकी बर्थडे नहीं आज, उसकी अभी संडे को करेंगे उनके पापा, क्योंकि उनके पापा छुट्टी नहीं मिल रही, और वो हमारे छत से व्यू है, कितनी आबादी है वहाँ, देखें आप जहाँ देखें ना बस आबादी आबादी है। एक मिनट रुको आगे, जहाँ भी देखें ना बस आबादी ही आबादी है, हर जगह रश ही रश पड़ा हुआ है। One, two, three, stop.
चलो फेंको अगर एक हाथ से, मेरे उल्टे हाथ से खेलने गया तो। तो अभी हम खेलने वाले हैं पीछे वो जो बैडमिंटन, और हम लगाएंगे 5 पॉइंट का मैच। चलो मगर की अजान भी हो गई है। अरे यार शक्ल नहीं पूरी आ रही। हेलो गाइस हाउ आर यू, बाय बाय। 5 पॉइंट का मैच जिससे गिरा गिरा। और शटल को लेके आएंगे तो ये अब हम जा रहे हैं ऊपर पोंटी में। आ गए हम इधर का वेदर, हमने पहले भी आपको दिखाया था, बहुत अच्छा ही अच्छा मौसम हो रहा है। तो अभी मैं कैसे कैमरे को हाइड करती हूँ और आंटी को बुलाती हूँ साथ है। ये घर है इधर गई है, कैमरा हाइड करना पड़ेगा मुझे। आंटी 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 ये देखिए एक शटल पड़ी हुई है व्हाइट कलर की, ये दे दें। ये सामने चिड़ी पड़ी हुई है, ये साथ फेंक दें। चलो तो गाइस देखा हमारा जुगाड़, आगे में शटल और नीचे अभी आंटी नमाज पढ़ रही है तो इसलिए हम थोड़ी देर तक खेलेंगे और अभी नीचे चलते हैं शटल जाकर। इधर आ जाओ, अभी नमाज पढ़ रही है, इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ। शटल ये आ गई हमारी नारी पर कुछ अतरंगी सी कोशिश करने वाली हो, देखिए पता नहीं कैसी होगी। और वो सामने जा रहा है एक प्लेन, जो कि प्लेन तो लग नहीं रहा, पता नहीं क्या ही लग रहा है। रात बहुत रात और ये लाइट्स आ रही हैं सिर्फ उसकी। मैं छत से अगर क्लियरली आता है तो मैं छत पे जाती हूँ एक आप। ये आप लोग देख सकते हैं हमारी प्यारी सी बिल्ली मानो। मानो कैसी हो, आ जाओ चले। अच्छा चलो आप खेलो, जा रही बाय बाय। पहले तो निकाल लेंगे इसको। जेली के क्यूब्स बन गए, इसको एक एक को करके हम ये जेली के अंदर हम। ये जेली कौन सी है? जेली वो जेली कस्टर्ड जेली होती है, कस्टर्ड वाली। हाँ मतलब जो कस्टर्ड में डालते हैं। डाल चल ये वाला उठा, उठा लो चलो। बस प्रोफेशनल चेफ बच्चे को सर्व करते हैं। नहीं निकाल चलो मैसी मैसी कहते हैं। ये मैंने रख दिया है फ्रिज में, अभी ये सेट हो जाएगा और फिर बच्चों को भी देंगे और हम लोग भी खाएंगे। ये बच्चे खा रहे हैं कस्टर्ड, भाग गए हम। इतनी प्यारी आ रही है खाते हुए, लड़कियां लड़कियां ही होती हैं फिर, है ना। कौन आया? मेरा घर वाला। इसने कहां से सुना है? क्या हो गया? हाँ तबीयत खराब है। मानो खाना खाना, मानो आ गई है हमारी। शाम को भी डाला था वैसे मैंने इसे, लेकिन खाना डाले ना इसे पहले। मानो चलो चलो चलो, लेके आए हैं। क्या लेके आए नदीम? कढ़ाई कबाब फ्राई करने लगी हूँ, चावल हैं और ये नाश्ते यहाँ पे नदीम चटनी बना रहे हैं। कितने बजे जाना है हमने? तो मैंने नदीम से बोला है कि लाइट ऑन करते हैं और इन्होंने ना फ़ोन की लाइट ऑन कर दी है। खैर अभी हम लोग आए रूम में अब्बू के पास, हम लोग बैठे बातें कर रहे थे। 10:30 हो गए, 10:30 हुए, क्या टाइम हुआ? हाँ बस है। और मैं जो है वो भी वो ट्राइफल डाल के लाई हूँ कस्टर्ड, अभी मैं खाती हूँ ठंडा ठंडा। और पता नहीं क्यों थकावट हो गई है इतनी, खा के हम लोग रेस्ट करते हैं क्योंकि सुबह हम लोगों ने सुबह अब्बू को छोड़ने जाना है और 5 बजे का अलार्म लगाया हम लोगों ने, तो सुबह 5 बजे उठना है हम लोगों ने। तो खाते हैं और रेस्ट करते हैं, फिर सुबह मिलते हैं हम आपसे। इसको खाना डालो, thank you.
रहा, चल ठीक। अब वो ऐसा हो रहा है, बैग इनका दूसरा है ना। और ये खड़े हैं, अबू परना रखा हुआ है मेरे नाना अबू की तरह। हमने वो रेडी नहीं लेना, वो देखो ना। हाँ, ये इधर इधर देखें, हम तो उधर छोड़ गए थे ना। हम लोग जा रहे हैं वापस, जैसे कि टाइम देख रहे हैं 7 हो गए, अब्बू को छोड़ दिए। अब हम लोग मेट्रो पे जाएंगे, आगे से उबर करवा लेंगे। और ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।